दादाजी। घर में सब दुखी दुखी क्यों लग रहे हैं? शादी में जयप्रकाश के मिलने के बाद से पता नहीं कहां से कैसी पनौती लग गई है, पुरानी दुश्मनी याद आ गई है। दुश्मनी क्यों है दादाजी? क्या हुआ था दादाजी? तुम्हारे पिता और जयप्रकाश बहुत गहरे दोस्त थे और उन दोनों की दोस्ती से पूरे समाज को गर्व था। तुम्हारे पिताजी को ज्यादा ही गर्व था, मगर जयप्रकाश ने उस दोस्ती को बिगाड़ कर रख दिया। एक अच्छी दोस्ती दुश्मनी में परिवर्तित हो गई। भाभी भाभी, भैया से मेरी शादी के बारे में बात करो ना प्लीज भाभी। मैं नहीं बात कर सकती। तुम अपने भाई को कॉफी देने जाओगी तो खुद ही बात कर लेना, ये तुम्हारा मामला, तुम खुद ही बात करो। क्या मैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, आप ही बात करो ना प्लीज। लक्ष्मी, तुम्हारी ये हरकतें अच्छी है क्या? तुमको मैं भाई की बात मानने वाली बहन समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरी जानकारी के बिना प्यार करके शादी करना चाहती हो। जवाब दो। पागल बहन, तुम्हारी चाहत के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। दोस्ती की कीमत देने वाला हूँ मैं, ये तुम जानती हो। वो भी मेरे दोस्त के भाई से प्यार करती हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। प्यारी बहन, अभी मैं तुम्हारी मंगनी के लिए बात करके आया हूँ। जानती हो तुम, कार्तिक महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम उसके घर में रहो या मेरे घर में रहो, दोनों बराबर हैं। सही कहा ना? पहले ही बोला था ना अपने भाई को बता। क्या ये बात तुझे पहले से पता थी क्या? पहले औरतों को पता चलती है, बाद में मर्दों को पता चलता है। अरे देखा जाए, हम दोनों कितनी मस्ती में रहते थे, लेकिन तेरे भाई ने इसे संबंध में बदल दिया है। अभी मैं तुझे दोस्त कैसे कहूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, हमारी दोस्ती अटूट है, मरने के बाद भी खत्म नहीं है। सुन भाई, तुम दोनों ने प्यार तो हम दोनों के बिना जानकारी के कर लिया, पर ऐसा मत करना कि हम दोनों में झगड़ा लगा देना, घर से निकाल दूंगा। शादी तय हो गई, अब तो खुश हो जाओ। कृष्ण अर्जुन की जोड़ी, तुम लोगों को मेरी नजर न लग जाए। एक घंटा अपनी बहन दिखाई न दी तो चैन से नहीं रह सकता था तुम्हारा बाप, लेकिन एक दिन पूरा न दिखाई दी, हम सब लोग घबरा कर हर जगह उसे ढूंढने लगे थे, लेकिन कहीं नहीं मिली। बेटा दशरथ, देख तेरी बहन को क्या हो गया, देख ना बेटा दशरथ क्या हो गया तेरी बहन। बेटा, शादी के मंडप में बैठने वाली तुम्हारी बहन अब चिता में बैठेगी। उस लड़के का किसी और लड़के से संबंध था ये जान करके ये उसके पैर पकड़ के गिर गिराई। बेटा खूब रोई, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान का दिल नहीं पसीजा बेटा, और तुम्हारी बहन आत्महत्या करके दुनिया छोड़कर चली गई। और तू उसे दोस्त दोस्त कह करके सर पे बिठा कर रखा था, देख उसने क्या किया, उसे भी तो जान से मार देना चाहिए। तू मेरे पिताजी ने कहा तो भी मैंने नहीं माना, लेकिन अब मैं सामने देख रहा हूँ, तुम्हारे भाई का सर काटने तक मेरे को मन की शांति नहीं मिलेगी और मेरी बहन को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। आराम से बात करते हैं, छोड़ दो इनको। इससे मैं बात बिगड़ती है, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? मेरे सामने अपने भाई को भगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लो, पकड़ो। अगर हिम्मत है तो इससे अपने भाई को काट कर दिखाओ, तो ही मैं अपनी दोस्ती मानूंगा, नहीं तो हमारी दोस्ती की कसम मेरी नजरों में तो मर गए, समझे तुम? ऐसा मत। और उस दिन के बाद से तुम्हारे पिता और जयप्रकाश के बीच का हर रिश्ता खत्म हो गया। जयप्रकाश ने कई बार तुम्हारे पिताजी से मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। उसके बाद जयप्रकाश राज का भाई मर गया था। एक सीधे साधे आदमी और उसके बहन के साथ अन्याय किया, इसलिए उसे तो तुम्हारे पिता के हाथों मरना चाहिए था,
लेकिन ऊपर वाले का न्याय देखो, घटिया मौत मरा वो। मुझे अपने बेटे पे गर्व है और बहुत आनंदित हूं। अगर वो कभी मेरे फैसलों के खिलाफ गया तो मेरे जिंदा होने का कोई मतलब नहीं है। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, अगर मेरी वजह से आपका सर झुकेगा तो उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। मैं मंदिर में सच कह रहा हूं भवानी, मुझे भूल जाओ। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जानता हूं, मुझे माफ कर दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बचपन से अपने घर वालों से दूर रहा हूं और अपने प्यार के लिए अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। मेरे घर वाले नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज भवानी, समझने की कोशिश करो, मुझे समझो। हम दोनों की परिवार में बहुत सालों से दुश्मनी चल रही है, हमें दुश्मनी और नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारी खुशी से ज्यादा हमारे घर वालों की खुशी ज्यादा जरूरी है। वी आर मेड फॉर ईच अदर इन लव, नॉट इन लाइफ। बाय। अगले गुरुवार को बहुत ही शुभ मुहूर्त है, उस दिन आप चाहे तो मंगनी तय कर सकते हैं। धन्यवाद समधी जी। हाँ। मैं बहुत डर गया था। किस लिए? क्योंकि दामाद जी अमेरिका में रहते हैं ना, सोच हाँ। रहा था मेरी बेटी उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं अब बहुत खुश हूँ। वो कौन है तुम जानते हो? ये श्वेता राम का लाडला है। एक बात बताऊं, करेले को लंदन में भी खाओ तो भी कड़वा ही लगेगा। ए, देखो नाम लिया और हाजिर, आजा आजा, 100 साल जिएगा तू। बेटा तुमने मेरी बेटी को पसंद कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बिना, आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। सुना बेटा, अगले गुरुवार को ही मंगनी होगी, क्या कहता है तू? आपकी मर्जी दादाजी। सुनिए, हमारे घर में होने वाली शादी धूमधाम से मनाएंगे, और एक बात है जी, मेरा पोता है, उसकी मंगनी हम अपने घर में करें तो आपको कोई एतराज है क्या? अगर एतराज भी हो तो हम लोगों को ना मत बोलना, क्या है हमें बहुत, तो बताना बेटा। वो कुछ नहीं जी, इसके चाचा की मंगनी भी यही हुई थी इसीलिए। ये मेरे लाडले बेटे की शादी है जी। आप लोगों की मर्जी में मेरी मर्जी है, आप जैसा चाहे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे चश्मे से मैं 16 साल का लौंडा दिखता हूँ? मेरी एज ग्रुप का मैं हूँ ना। अबे चुप, तुमसे समझदार के बच्चे हो। ये तो ज्यादा ही।